वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। बताइए दोस्तों, आप सभी लोग कैसा ही होप्स हो कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ। और आज का जो वेदर है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा गजब का हो चुका है। बिल्कुल धूप नहीं है और हवा बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है। ऊपर से यहाँ का जो एरिया है ना काफ़ी खुला खुला है, तो यहाँ पे हवा कुछ ज़्यादा ही फील हो रही है शहर के अकॉर्डिंग। और आज मैं यहाँ आई हूँ अपने घर, मतलब अपने मायके, और मायके के नए वाले घर में आई हूँ मैं यहाँ पर। और यहाँ पे आज हो रही है पूजा, सत्यनारायण की कथा करवा रहे हैं हम। सत्यनारायण जी की कथा होने वाली है, तो उसकी ही प्रिपरेशन करनी है मुझे अभी थोड़ी देर में। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा ब्लॉग बना लिया जाए, और थोड़ा अपने घर का टूर भी करा दूँगी कि कितना बन चुका है। अभी पूरा कम्प्लीट नहीं हुआ है, पर काम भी चल रहा है और हम भी यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। और अभी कुछ लोग वहाँ हैं, आधे लोग फैमिली के वहाँ रहते हैं पुराने घर में, आधे लोग यहाँ आ गए हैं। और रीज़न ये था क्योंकि गाय को बहुत ज़्यादा वहाँ पे घुटन हो रही थी, क्योंकि एक रूम था बंद और यहाँ पे इतना खुला है। उसके लिए गाय के लिए गौशाला है यहाँ पर, तो उनको काफ़ी कम्फर्ट सा और खुला मिल गया है यहाँ पर रहने के लिए, तो इसलिए हम यहाँ शिफ्ट हो गए थे। और अभी तो थोड़ी बहुत परेशानी तो हो रही है यहाँ पे, क्योंकि अभी इनकम्प्लीट घर है और अभी काम भी चल रहा है साथों साथ हम भी रह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को भी मैं यहाँ पे टूर कराती हूँ। यहाँ पे रह के तो ऐसा लगता है गांव वाली फीलिंग आती है, बिल्कुल ठेठ गांव वाले बन गए हम यहाँ पे आके। और वहाँ पे रहते थे तो इतना नहीं था, बट यहाँ पे तो पूरी लाइफ जो लाइफ स्टाइल ही चेंज हो चुका है। तो आज हम कराने वाले हैं कथा और बनाएंगे खाना पीना। थोड़े एक दो गेस्ट आएंगे हमारे, जो परिवार के ही सदस्य हैं वो लोग रहेंगे। तो चलिए आपको पहले मैं यहाँ की हरियाली और सुंदर नज़ारे के दर्शन कराती हूँ। वहाँ देखो पापा है, मम्मी है, मम्मी कर रही है खुदाई, क्योंकि घास हो गई ना बारिश की वजह से, तो इसलिए मम्मी सफाई कर रही हैं। और बाकी मम्मी ने वहाँ पे सब्जी वब्जी भी बो रखी है, तो साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए साफ़ सफाई चल रही है। बाकी हमारे जो डॉगी हैं यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा खुश हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें भी काफ़ी दूर तक घूमने का एरिया मिल चुका है। घूमते रहते हैं और लगे रहते हैं अपनी मस्ती में। देखो हवा कितनी प्यारी चल रही है यहाँ पे, तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और पीहू गई हुई है स्कूल और एक बजे तक वो भी आ जाएगी, तो तब तक मैं भी अपना सारा काम फिनिश कर दूँगी। तो चलिए दोस्तों, बोलती कम हूँ और काम ज़्यादा करती हूँ, आपको दिखाती हूँ घर का टूर कराती हूँ। तो चलिए बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। जॉनी बाबा, देखो जॉनी कैसा लग रहा है, जॉनी कैसा लग रहा है, जॉनी को मेरे पीछे पीछे मत आ, मैं वीडियो बना रही हूँ तुम्हारी। जूली, ये देखो ये जूली है, जॉनी है, और यहाँ पापा का काम चल रहा है। ये गाय खा लेती है पापा, अच्छा। और यहाँ लगा रखे हमने भुंटे के पेड़ और कुछ लोबिया, हरियाली है। तार चेंज हो रही है, जो हमारी हाई टेंशन वाली लाइन है ना, तो उस लाइन को चेंज कर रहे हैं, जो पुराने तार है उन्हें निकाल रहे हैं, रिपेयरिंग चल रही है। तो इतने सारे लोग देखो टावर पे बैठे हैं, दिख रहे हैं आपको, इतने छोटे छोटे लग रहे हूँ। और नीचे भी सभी लोग हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से पूरी लाइन लगी हुई है। ये देखिए, ये देखो येल्लो येल्लो कैब दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे अभी वायर चेंज हो रही है इसकी, ये पूरी वायर की, पूरा वायर की रखी हुई है, इसमें वायर है, मतलब सारा जितना भी है रोल जो है वायर का है। बाकी ये वायर ना वहाँ से चेंज होते हुए आ रही है, आप देखो उधर भी बैठे हुए हैं लोग, ये देखो कितने सारे लोग हैं। तो चलो दोस्तों, मैं घर का टूर कराती हूँ। तो दोस्तों अभी देखो घर हमारा इनकम्प्लीट ही है, कम्प्लीट नहीं हुआ है, और पर हम यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। और ये हमारा मेन गेट है, यहाँ पे हमने ईंटों से बनाया है जाने का रास्ता, क्योंकि मिट्टी में थोड़ा सा हो जाता ना, घर के अंदर मिट्टी चल जाएगी, तो इसके ऊपर भी करवाएंगे अभी, बट अभी हमने टेम्परेरी ईंटों का करवा दिया है। बाकी यहाँ पे आपकी सो वाली घास आएगी पूरे घर में, और कुछ फ्रूट्स के पेड़ भी हमने लगाए हैं, जैसे वहाँ पर हमने लगा दिया है अभी, क्या है वो, वहाँ पर है जामुन और अमरूद, उधर हमारा आम का है, और उधर हमने लीची वगैरह सब लगा रखे हैं, प्लांट्स वगैरह। बाकी इधर भी करेंगे, अभी तो ये सब सामान है तो इस वजह से किया नहीं गया है, और इधर भी अभी क्योंकि काम चल रहा है ना। तो चलिए दोस्तों गौशाला देखते हैं कि हमारी गौशाला कैसी है। तो दोस्तों ये रही हमारी गौशाला, आपको इधर से दिखाती हूँ मैं। तो ये हमारा गौशाला का गेट है, और ये हमारा स्टोर है जहाँ पर अभी हमारा सामान है, बाद में यहाँ पर सारा गेहूँ के ड्रम वगैरह सारा सामान आएगा। और ये हमारी लंबी चौड़ी गौशाला,
जो कि काफ़ी खूबसूरत है, बहुत प्यारी लगती है। यहाँ पे हवा भी बहुत ठंडी चलती है क्योंकि ओपन है ना, और ये हमारी सारी काव हैं और उनके बच्चे छोटे छोटे से, एक तो देख भी रही है वीडियो में, ये देखो शोनी 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 सुन रही है वो, देखो शोनी देखो कैसे सुन रही है। तो वो है वीडियो बन रही है बेटा आपकी। तो ये रही हमारी गाय प्यारी प्यारी सी, अभी रेस्ट कर रही हैं, कुछ घास खा रही हैं, तो लगे हुए हैं ये सब। और उधर साइड को भी गौशाला, उधर सारी बच्चियाँ बांधते हैं। और ये इनके खाने का, एक पानी का है, एक खाने का, पानी का खाने का, खाने का पानी का, ऐसा बना रखा है हमने। तो ये चीज़ हो गई। और ये हमारा है घर, और तो यहाँ पे भी काम चल रहा है प्लास्टर का, और ये सीढ़ी पे खड़े होके भी आप ठंडी हवा के फुल मजे ले सकते हो। और चारों तरफ अभी पानी भरा हुआ है बरसात की वजह से। ये बनाई है ऊपर जाने के लिए, जिसमें मुझे जाने में बहुत डर लगता है क्योंकि मुझे हाइट से बहुत, हाइट का फोबिया है, बहुत डरती मैं हाइट से। पीहू भी स्कूल से आ गई है, देखो ये हेलो ऐसे बोलो, हेलो गाइस। हाँ पीहू भी स्कूल से आ गई है, और आज क्या है, पीहू पूजा है ना आज, और पीहू पूजा करेगा ना। तो 2 बजे का पूजा का टाइम था और अभी पूजा नहीं हुई है, 4 बजे से पूजा स्टार्ट हो रही है, मतलब अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। मंदिर मम्मी आ गई अपने कुमाऊनी स्टाइल में, पिछौरा पहन के। चलो बाहर चलते हैं थोड़ा सा। और ये देखो आंटी, आंटी हेलो। क्या कर रहे हो तन्नू? हेलो सूज नहीं स्लीपर टैटू। ओहो पीयू ने भी टैटू बना रखा है। ये कोई का कर लिया।
टाइम हो गया है तो इसलिए वो काफी रो रहे हैं, आवाज दे रहे मम्मी को कि आ जाओ भाई दूध निकाल लो, टाइम हो गया है। बस अब थोड़ी देर की बात है, फिर देखो कैसे बोल रहे मम्मी को देख के, भाई जानवर भी पहचान जाता है। शाम हो गई है, उनका दूने का टाइम है। मम्मी वो देखो छोटी बच्चिया, उसके गले के लिए नई माला भी आई है, घंटी टन 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 टन।